नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 के ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाले हैं। बता दें, ये फॉर्म NTPC ग्रेजुएट लेवल का, यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट वालों के लिए फॉर्म है। कुल अगर भर्ती की बात करें तो 8113 पद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अलग अलग पद के, जिसमें जो है आपका स्टेशन मास्टर है, टिकट सुपरवाइजर है जिसको कि आप जो है टीटी भी कहते हैं, ट्रेन के मैनेजर है, जूनियर अकाउंटेंट है और सीनियर क्लर्क टाइपिस की भर्ती है। कुल 8113 पद है और इस बार जो है 3 साल की छूट दी गई है। इस हिसाब से 18 से 36 साल के युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रमुख तिथि की बात करते हैं, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पर। बता दें, इसके आवेदन 13 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 14 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है और किसी भी प्रकार की आवेदन करते वक्त गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR लागू कर रखा है। अगर आपने से पहले रेलवे के किसी भी भर्ती का आवेदन किया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो यानी आपको ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आप में इससे पहले रेलवे की जैसे ELT, IT, टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल है, किसी में भी आवेदन किया है तो आपको जो है सीधा जो ऑलरेडी है अकाउंट में क्लिक करना है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तब आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना दोस्तों, हम आपको सीधा ऑलरेडी पे क्लिक करके दिखाते हैं। बाकी जो अगर आपको नया अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लॉग इन करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो फिर रजिस्टर्ड ईमेल ID डालनी है, साथ ही साथ जो पासवर्ड डालना है ये पासवर्ड वही वाला है जब आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, ये जो कैप्चा यहाँ पे आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और उसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया फॉर्म के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको जो है जानना है कि अभी तक आपने कौन कौन से फॉर्म भरे, उसके एप्लीकेशन हिस्ट्री स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले आपको टिक करना है कि आप जो है किसी भी RRB RRC से डिबार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको जो है रीजन सेट करना है, किस रीजन के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको उसके रीजन वाइज जानकारी देखनी है तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ ये लिंक आपको सरकारीRESULT.COM और RozgarResult.COM पर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं RRB के अलग अलग जोन की जो भर्ती का डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, तो जिस भी जोन में आप चाहे उस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ RRC जो है इलाहाबाद जोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि RRB इलाहाबाद, इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया, तो मैंने यहाँ RRB प्रयागराज कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान देना है जो भी आपने एक बार रीजन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप रीजन का बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए रीजन का चयन करते वक्त बहुत ही ध्यान दीजिए कि वो गलत ना हो। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पुराना डिटेल्स आपका अपने आप फेच होके आ जाएगा। सब कुछ आपको चेक करना है, कुछ गलत तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछा है कि आपका एक सर्विसमैन तो नहीं है, आपका जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास तो नहीं है, EBC तो नहीं है, आपका जो सर्विंग तो नहीं है, तो आप जो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अकाउंट्स का ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको अपने आप बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। ये इसलिए देना है क्योंकि जो इसकी फीस कटती है उसके बाद जब आप स्टेज 1 एग्जाम क्लियर होते हैं उसके बाद आपको जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। जो SC ST महिला अभ्यर्थी है उनको पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट है उनका फीस जो है काट के बाकी पैसा रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल देना है जिसमें वो पैसा रिफंड आएगा। अकाउंट डिटेल चेक करने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जैसे कि मेरे में आप देख सकते हैं 10th की डिटेल्स जो है पड़ी हुई है, लेकिन इसमें बैचलर डिग्री मांग रहा है क्योंकि बैचलर डिग्री वाली पोस्ट है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री हम डाल देंगे। आपको अपना स्ट्रीम डाल देना है, आपने किस स्टेट से पढ़ाई की है वो डाल देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का वो डाल देना है, कॉलेज का नाम डाल देना है, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है किस तारीख को जारी हुआ, रिजल्ट की जो जारी होने की दिनांक जो है वो डाल देना है आपको। सब कुछ करने वाले आप पूछा कि आप जो टाइपिंग जो हिंदी या अंग्रेजी कंप्यूटर पर कर सकते हैं, अगर कर सकते हो तो यहाँ पे यस करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लास 10th का अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जिसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो चलिए अपलोड करते हैं।
इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 500 KB से कम होना चाहिए और सिर्फ PDF में होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है, मतलब कि नॉर्मल फोटो खींचा हुआ है, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स को ओपन करना है। सरकारी रिजल्ट टूल्स ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ऑल PDF रिलेटेड वर्क, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास फोटो खींची है आपने तो फोटो JPG से PDF यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका साइज ज्यादा आ रहा है PDF को तो यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल फाइल में है, मतलब कि जिसमें हाई स्कूल इंटर सब लगा है, तो यहाँ से आप स्प्लिट करके अपने उस PDF को, क्लास 10 की PDF को अलग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है PDF, उसको JPG बनाना है तो JPG बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वेबसाइट की मदद से आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। मान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड में आपके पीछे कोई कलर है या कुछ और है, तो उस बैकग्राउंड को रिमूव करके व्हाइट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। ये जितने भी टूल्स है इसका कोई भी शुल्क नहीं है। टोटल टूल्स जो है सभी जो है फ्री है। वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल्स आपकी जो पहले से थी वो भी आ गई है। उसके बाद जो बैचलर डिग्री फॉर्म के लिए मांगा है वो डिटेल्स भी आ गई है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बता दें यहाँ पे आपको अपनी नई फोटो लगानी है जिसका बैकग्राउंड जो है नॉट ओल्डर, यानी कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ध्यान देना है बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फोटो आपकी 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको नई फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है जिसका साइज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था सरकारी रिजल्ट टूल्स पोर्टल की मदद से यहाँ से आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को भी जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड की फोटो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि व्हाइट ही बैकग्राउंड में अपलोड करना है, और इमेज डिसाइजर की मदद से अगर आपकी साइजिंग में दिक्कत आए तो उसको आप जो है साइजिंग कर सकते हैं। तो वापिस चलते अपने फॉर्म पर, फोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। फोटो सिग्नेचर लगाने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रेफरेंस सेट करना है कि आप किस क्रम में जो है पोस्ट को आपको सेट करना है, कि अगर आपकी जॉब लगती है तो उस क्रम के अनुसार आपको दिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक करना है और अपने हिसाब से क्रम को सेट कर लेना है। सब कुछ सेट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको प्लेस में जो है, यहाँ पे आपको प्लेस में जो है अपना जो है डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। पूरे फॉर्म को प्रीव्यू चेक करने के बाद अच्छी तरीके से चेक करना है। यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। अगर कुछ गलत लगता है तो एडिट करके आप उसको सुधार भी सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है, मैं सिंपली यहाँ पे टिक करता हूँ और अपने फॉर्म को सबमिट करता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म आपका कम्प्लीट हो चुका है। केवल फीस पेमेंट रह गया है। फीस पेमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं पे विद आवर रोजर पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो इसका फीस पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फीस पेमेंट जब तक आप नहीं करेंगे आपका ये फॉर्म कम्प्लीट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इसका पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म डन हो जाएगा। उसके बाद वहां पे आपको जाना है, दोबारा लॉगिन करके अपने फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सिलेबस वगैरह अन्य जानकारी भी आपको sarkaririzalt.com और rozgarrizalt.com पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।